और चिता मसाले, कूल ग्राइंडिंग की तकनीक दे वही सिलबट्टे जैसा स्वाद। आप देख रहे हैं एडीआई न्यूज, सच के साथ लगातार। मैं चौधरी, आप देख रहे हैं एडीआई न्यूज, सच के साथ लगातार। जिसके कर्मचारी हड़ताल पे जाते हैं तो अपनी तनख्वाह कटाते हैं, बाकी तो हड़ताल खत्म करने पे नेगोशिएट करते हैं कि एक दिन की कैजुअल लीव दे दी जाए, एक दिन की अर्न लीव काट ली जाए, स्पेशल लीव दे दी जाए। और हमारा क्या है, हम हमारे बजट को खराब कर देते हैं। एक दिन की तनख्वाह कटने का मतलब कि हमारा बजट, जो भी हमें तनख्वाह मिल रही है उसमें से कमी आना। लेकिन अब इसके बावजूद हमें हड़ताल पे जाने के लिए विवश होना पड़ता है। एक और कारण है, हमारा वेज में तो दो हो गए, इस महीने में दो हो गए, अभी अधिकारियों के दो दिन के तनख्वाह कट गए। तो ये एक दिक्कत की बात है, एक दिक्कत का सबब है। एनसीबी का उत्तर प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने आपको इसलिए कष्ट दिया है कि 25 तारीख की बैंकों की हड़ताल, हमने कहा ये जनता को बताना चाहिए कि हम लोग ये हड़ताल क्यों कर रहे हैं। हड़ताल मुख्यतः दो कारण है, पहला तो एनपीए पढ़ते हुए एनपीए हमारे लिए चिंता का विषय है, क्योंकि ये मुख्यतया जो पब्लिक का पैसा है, जो बैंकों में उसको जमा कर रखा है, उस पैसे की सुरक्षा का मामला है। एनपीए बढ़ने के दो कारण है सरकार की नीतियों जिसके लिए जिम्मेदार है। पहला कारण तो बड़े बड़े कारपोरेट सेक्टर है जो पैसा ले लेते हैं जानबूझ के, एक नई कंपनी बनाई, एक नया ग्रुप बनाया, पैसा लिया और उन्होंने जमा नहीं किया। वो पहले ही समझ रहे हैं कि हमने थोड़ा कंस्ट्रक्शन दिखा देना है, बाकी पैसा मार देना है, हड़प लेना है और काम नहीं करना है। हमारा सरकार से उसके बारे में पूरी यह कहना है कि ऐसे लोग जिनके कर्जे 50 करोड़ 100 करोड़ से ज्यादा एनपीए हो गए हैं, उनके नाम सार्वजनिक रूप से प्रकाशित कर दिए जाए, जिससे दूसरे बैंक उनको लोन देने के पहले ये उनको बता सके, जान सके कि इनके ऊपर पहले से डिफरेंट बैंक का कितना कर्जा बाकी है। लेकिन वो बताया नहीं जाता, वो बताया तब जाता है जब वो देश छोड़ के भाग जाता है। अभी विजय माल्या हो जाता है, नीरव मोदी हो जाता है, मोहन चौकसी हो जाता है। हमारा उसमें कहना ये है कि अगर पहले उनके नाम प्रकाशित कर दिए जाए तो वो लोन करने वालों को हम लोग आगे लोन बैंक दे ही ना। दूसरी दिक्कत सरकार की है कि इस तरह की योजनाएं करती है कि पब्लिक को यह लगता है कि ऋण वापस ही नहीं करना है। जैसे किसानों के कर्ज, जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा लोन में बिना किसी सिक्योरिटी को लिए दिया जाने वाला लोन, सरकार अपने पास से देना चाहती है तो सब्सिडी दे दे। वो ये कहते हैं कि उद्योग चलाने के लिए हम एक आदमी को 2 लाख रुपया 5 लाख रुपया जो देना चाहे अपने खजाने से दे, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। बैंक से कहते हैं कि बिना किसी सिक्योरिटी को इनको लोन दे दो। पब्लिक ये समझती है कि ये लोन तो शायद प्रधानमंत्री जी हमें दे रहे हैं जो हमें वापस नहीं करना है, शायद उसमें से लोन मिल रहा है जो हमारे खाते में 10 लाख रुपए आने थे उसमें से 2 लाख रुपए आ गए और ये हमारा पैसा है, हमें इसे किसी को वापस करने की आवश्यकता नहीं है। इन सब बातों को लेते हुए एनपीए बढ़ते जा रहे हैं। एनपीए बढ़ने का मतलब है कि जो पैसा पब्लिक ने जमा किया है, जो पैसा उनकी गाड़ी कमाई का धन है, वो मिलेगा नहीं है आने वाले दिनों में। 10 साल 5 साल 15 साल 20 साल में ऐसी स्थिति ना आ जाए, इसलिए हम आज से जनता को जागरूक करना चाहते हैं और सरकार को बताना चाहते हैं कि इस तरह का वो काम ऐसे भी बातें आ रही थी कि विलय को लेकर जो मैं उस पे आ रहा हूँ। अभी सरकार एनपीए से ध्यान हटाने के लिए विलय की बात कर रही है। उनके हिसाब से एनपीए का समाधान विलय, हम नहीं समझ पा रहे हैं। एक बैंक का एनपीए 40,000 करोड़ है, एक बैंक का 60,000 करोड़ है, दोनों का विलय कर दिया जाएगा
तो एनपीए घटेगा थोड़ी, 1,00,000 करोड़ हो जाएगा। नंबर दो, विलय में क्या होगा, जब विलय होने लगता है तो जो बारोअर है वो थोड़े दिन रुक जाता है कि जरा विलय हो जाए, देखें, हो सकता है लोन वापस ही न करना पड़े, हो सकता है बैंक ही डूब जाए, अभी राजधानी सहकारी बैंक हो जाए, जिसने उससे लोन ले लिया उसको वापस करना ही नहीं पड़ा, बैंक ही बंद हो गया। तो बारोअर ऐसे में थोड़े दिन के लिए वेट करता है। तो अभी विलय भी एनपीए के अगेंस्ट है, ब्रांचें बंद हो जाती हैं, बेरोजगारी बढ़ती है, छंटनी होती है कर्मचारियों की, वीआरएस की स्कीम लाती हैं बैंकें, तो विलय भी एक हमारे लिए समस्या का कारण है और हड़ताल में वो भी एक प्रमुख बिंदु है। हड़ताल में कितने कर्मचारी अधिकारी शामिल होंगे, कितनी ब्रांचें बंद होंगी? सभी ब्रांचें 100%। अभी बैंकों के हड़ताल में आप ये आशा न करें कि कोई कर्मचारी छोटी से छोटा, कोई बड़े से बड़ा अधिकारी हड़ताल में शामिल नहीं होगा, या कोई सुदूर की, अभी उत्तराखंड की 14,000 फीट पे गुंजी शाखा खुली रहेगी, नहीं, अभी कश्मीर से कन्याकुमारी तक सारी शाखाएं एक एक बंद रहेगी। अभी हड़ताल में